हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूं। इन सर्दियों में कैल्शियम से भरपूर दूध जो हमें कमर दर्द और घुटनों के दर्द से निजात दिलाएगा। चलिए आज हम ये मैजिकल दूध बनाना शुरू करते हैं। हमने डार्क ब्राउन छुआरे लेने हैं जो 20 हैं। छुआरों को मैंने ओवरनाइट दूध में भिगाकर छोड़ दिया है। अब हम इसमें से एक छुआरा निकालेंगे, इसे इस तरह दबाएंगे और इसके बीच में जो गुठली है इसे हम हटा देंगे। इसी तरह हमने सभी छुआरों की गुठली हटानी है और इसे मिक्सी में हल्का दरदरा पीसना है। सभी छुआरों की मैंने गुठली निकाल दी है। अब जो दूध बचा था थोड़ा सा दूध डालकर इन्हें पीसेंगे। हमारे सारे छुआरे पीस चुके हैं। दूध में डालने के लिए हमें सिर्फ 2 चम्मच चाहिए। ये पेस्ट हमारा ज़्यादा है, इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज़र में रख दें। ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। जब आप दूध बनाएंगी तो दूध में डाल लें। ये ड्राई फ्रूट भी लिए हैं जैसे बादाम, काजू, पिस्ता। अभी ड्राई फ्रूट को हमने चॉपर से चॉप करना है। इस पर हमने पतीला रखा और उसमें 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। हमारा मेल्ट हो चुका है, गैस हमने बंद कर दी है। अब हम इसमें 1 चम्मच पोस्ते दाने, जिसे हम खसखस भी कहते हैं, वो डालेंगे और इसे इस तरह हल्का सा चला लेंगे और फिर हम गैस ऑन करेंगे। हमने 1/2 किलो दूध डाला है, इसे धीमी आंच पर खोलने देंगे अच्छी तरह। हमारा अच्छी तरह 2-3 बार खोल चुका है। अब हम इसमें अपने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। हम 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालेंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून हम पिसी हुई इलायची डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट डालकर भी हमने अच्छी तरह खोला लिया है। अब हम इसमें पिसे हुए छुआरे डालेंगे। हम 2 चम्मच छुआरों का पेस्ट डाल रहे हैं। अब हम इसे भी अच्छी तरह चलाते हुए पकाएंगे। छुआरों के पेस्ट को हम आखिर में इसलिए डालते हैं कि हमारा दूध नहीं फटे। अगर हम पहले डाल देंगे तो दूध फटने का डर रहता है। इसमें चीनी डालना चाहती हैं तो चीनी डाल सकती हैं। वैसे इसमें जो हमने छुआरे डाले हैं उसकी मिठास इसमें बहुत ही अलग सी लगती है। इसके बाद हमने 5 मिनट चलाते हुए इसे पकाना है और फिर सर्व करना है। दूध हमने कुल्हड़ में सर्व कर दिया है। इस सर्दियों में इसे आप भी बनाएं और अपने परिवार को पिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।